वेट लूज करने के लिए आज मैं आपको केवल मात्र 5 एक्सरसाइज बताने वाली हूँ, जिन्हें करके आप बढ़े हुए पेट और अपनी लटकती हुई तौन से छुटकारा पा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहली एक्सरसाइज। चाहे आपका कितना भी बड़ा पेट हो, कोशिश करें आप ऐसे बैठने की पैरों में गैप दे करके। हाथों को रखें अपने पैरों के नीचे, इसी में आपको खड़े होना है और सामने देखना है। इसको रिपीट आप 10 टाइम्स तक करेंगे। मेरी पोजीशन देखिए कि पैरों में जितना हो सके मैक्सिमम गैप होना चाहिए आपके। पैरों में गैप जितना ज्यादा होगा आपके लोअर एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर उतना ज्यादा आ रहा है और आपके लोअर एब्डोमेन में जो नीचे की तरफ लटकता हुआ पेट होता है वो धीरे धीरे अपने आप अंदर जाने लगेगा। इसी को आप रिपीट करें 10 टाइम्स। हम सेकेंड आसन करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखें और अपने राइट पैर को उठा करके लेफ्ट एल्बो के साथ टच करने की कोशिश करें, इस तरह से। अब लेग को चेंज करेंगे। 1, 2, 10। इतनी बार रिपीट करने से आपके साइडों का फैट, आपके आगे का फैट धीरे धीरे अंदर जाने लगेगा। थर्ड आसन हम करेंगे लेट करके और पैरों को अपने पास लेकर के आएंगे। धीरे धीरे हाथों से पुश करेंगे, श्वास निकालते हुए गर्दन ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे। यहाँ आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, रुकना है कम से कम 5 सेकेंड। 1, 2, 3, 4, 5। अगर आपका फेस टच नहीं हो पा रहा है घुटनों के साथ तो आप गर्दन को नीचे रख के या जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना ट्राई करें। अगर आपका इतना गैप रह जाता है तो गैप रह करके भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन हम करेंगे कटी चालन या मरकट आसन। हाथों को साइड में फैला के रखेंगे, पैरों में गैप रखेंगे, गर्दन अपोजिट, लेग्स अपोजिट, जितना हो सके मैक्सिमम स्ट्रेच करें अपोजिट। कोशिश ये करें आपके दोनों घुटने फर्श पे टच हो जाएं। नहीं भी हो पा रहे फिर भी आपको ट्राई करना है कि मेरे दोनों घुटने टच हो जाए। जो आपके पेट में यहाँ खिंचाव आ रहा है, स्पाइन पूरा खिंचाव आ रहा है, ये आपके साइड के फैट को, बैली फैट को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इस तरह से आपको 24-24 दोनों साइड में खिंचाव लेकर के आना है। ये डिस्क प्रॉब्लम के लिए भी अच्छा है, लेकिन आपका पूरा का पूरा जो सेंटर में जो फैट जमा होता है उसके लिए बहुत अच्छा है। सीधे बैठ जाएं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेकर के जाएं, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे आएं। बैली फैट के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इतना ही कर पाते हैं, पूरा नहीं झुक पाते हैं, तो इतना करके थोड़ी देर के लिए आप होल्ड कर लें। और अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है, बैक में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, स्पाइन फ्लेक्सिबल है, तो आगे आकर के हेड डाउन कर दें। इसमें मैक्सिमम आप 10 सेकेंड तक भी होल्ड कर सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी हो धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं। नेक्स्ट आसन हम करेंगे धनुरासन। पेट के बल लेट जाएं और दोनों पैरों को पकड़ लें, श्वास भरते हुए पूरी बॉडी को जितना हो सके स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। 10-20 सेकेंड की होल्डिंग, धीरे से वापस आ जाए। जब भी आप बैक बेंडिंग कर रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं, तो धीरे से अपने माथे को आगे टिका दें और यहाँ रेस्ट करें, धीरे धीरे वापस आएं। ये जो 5 आसन बताए हैं इनका अगर आप रेगुलर यूज करते हैं डेली अपने, तो आपका बढ़ा हुआ पेट धीरे धीरे अंदर जाएगा, स्लिम ट्रिम हो जाएंगे आप। मैं डॉक्टर विजाता आर्या कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय की संचालिका हूँ। लेकिन इन 5 आसनों को करने से पहले आपका पेट साफ हो जाना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखें कि आपके पेट के अंदर मल ना हो, एसिडिटी नहीं हो आपको। उसके लिए नेचुरोपैथी की क्रियाएं, बस्ती कुंजल अगर करके फिर इन क्रियाओं का आप यूज करते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सोहना, गुरुग्राम, हरियाणा। थैंक यू।